हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? तो आज मैं सोच रही थी कि ये जो बर्तन है ना मेरे रैक के ऊपर के, इन पे थोड़ा सा डस्ट हो गया था, तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँ। तो इनको ना मतलब मैं पोछ के रख देती ना डस्टिंग वगैरह तो भी चल जाता, पर मुझे ना पोछने से बेहतर वॉश करना अच्छा लगता है। तो क्या है, हम एक एक पोछ के भी रख देंगे, मतलब कपड़े से ऐसे ये करके रख देंगे, फिर भी उस पर जो डस्ट है ना वो दिखेगा ही। और अगर हम घस के रखेंगे, अच्छे से क्लीन करके रखेंगे, तो हमारे जो बर्तन है वो एकदम से चकाचक कर जाएंगे, है ना। तो बस यहाँ पर मैं अभी ये जो बर्तन है सारे वो वॉश कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती थी कि मैंने ना वाईफाई लगवा लिया है, और वाईफाई लगवाने के बाद ना मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो वीडियो वगैरह है ना वो इतनी जल्दी से अपलोड हो जाता है। पहले मैं इंस्टाग्राम पर अगर वीडियो वगैरह बनाती थी ना तो मुझे बहुत मतलब एक वीडियो को अपलोड करने में आधा घंटा लग जाता था, और यूट्यूब का वीडियो भी वैसा ही, मतलब घर के अंदर नहीं आता था नेट, तो मैं छत के ऊपर जाके वीडियो अपलोड करती थी। तो तब जाके मतलब एक घंटे में या तो पौन घंटे में वो वीडियो जो है वो चला जाता था। तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैंने ये करवा लिया है, वाईफाई वगैरह लगवा लिया है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है अभी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो रहा है मुझे भाई, ऐसे मतलब वीडियो ऐसे डालती हूँ ना, जस्ट 2-3 सेकंड में ही मेरा जो वीडियो है ना वो चला जाता है। तो किसे खुशी नहीं होगी भला, जहाँ 2-2 घंटे मुझे खड़े रहकर वीडियो अपलोड करना पड़ता था, वहाँ अभी 2 सेकंड में मेरा वीडियो चला जाता है। 2 मिनट भी नहीं लगते, सिर्फ 2 सेकंड। तो खुशी तो होगी ना ऑब्वियसली। तो बस यहाँ पर मैं अभी काम कर रही हूँ। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि मैम आपके हर रोज़ फास्ट होते हैं क्या? तो हर रोज़ फास्ट नहीं होते, पर मेरे बहुत सारे फास्ट होते हैं। जैसे कि देखिए, मंगलवार हस्बैंड जी का होता है, सोमवार हो गया, फिर उसके बाद ये जो महीना है हमारा मार्गशीर्ष महीने में, हम गुरुवार का फास्ट करते हैं, कायम नहीं करते, मतलब हर रोज़ नहीं करते, हर महीने में जो गुरुवार आते हैं वो नहीं करते, पर ये महीने में जो गुरुवार आते हैं ना मार्गशीर्ष के गुरुवार, वो हम करते हैं। तो हम दोनों मिलके करते हैं, मेरे हस्बैंड जी भी और मैं भी, तो उनका भी फास्ट होता है, मेरा भी होता है। और हफ्ते का उनका मंगलवार होता है, हफ्ते का मेरा सोमवार होता है। तो वो हनुमान जी के भक्त है तो वो मंगलवार का फास्ट करते हैं, एंड मैं महादेव की भक्त हूँ तो मैं उनका फास्ट करती हूँ। तो सोमवार हमारा मेरा फिक्स है और मंगलवार मेरे हस्बैंड जी का फिक्स है। फिर बात हो गई मंथ में आने वाली एक संकष्ट चतुर्थी, तो वो तो हमारी मतलब जब से मेरी शादी हुई ना तब से मैं संकष्ट चतुर्थी का जो फास्ट है ना वो कर ही रही हूँ, तो वो मंथ में एक बार आता है। एंड उसके बाद जो एकादशी होती है, एकादशी नहीं करती मैं, पर एकादशी के नेक्स्ट डे प्रदोष होता है, द्वादशी बोलते हैं जिसे, तो वो प्रदोष का व्रत ना मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताऊंगी कि जब कोरोना चल रहा था, कोरोना वायरस, उन दिनों हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब एक एक पैसों के लिए हम तरसने लग गए थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे घर में, और इतनी ज़्यादा मतलब हमें तकलीफ़ भी हो रही थी ना पैसों की वजह से, इतनी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। और वैसे हमारे पैसे लोगों के ऊपर थे, जिनको हमने उधार दे के रखा था ना, उन्होंने डायरेक्ट हमें नहीं बोल दिया कि हम नहीं देंगे, जाओ आपसे जो होगा वो कर लो। तो मेरे हस्बैंड जी ने ना फिर ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण, उनसे बात करी और उनको बताया अपना परेशानी। तो उन्होंने फिर हमें एक बात बताई कि ये देखिए बर्तन वगैरह वॉश हो गए मेरे, तो उन्होंने हमें बात बताई कि आपको प्रदोष का व्रत करना है। तो उन्होंने हमें 11 व्रत करने के लिए बोला था, तो उसमें ना सिर्फ जल पर फास्ट करना था, मतलब कि दूध वगैरह या तो चाय वगैरह कुछ भी नहीं। और वो उपवास करने के वक्त जब हमारे घर में अगर कोई किसी की डेथ भी हो जाती है तो उस डेथ में हमें नहीं जाना है, मीन्स कि हमारे फैमिली में से कोई भी हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे देवर जी हो, चाहे मेरे मम्मी पापा हो, किसी की भी, चाहे मेरी बहन हो,
किसी की अगर डेथ हो जाती है तो ये फास्ट, ये संकल्प आपने उठाया है इसके दौरान आपको नहीं जाना है। तो हमने 6 महीने इतने मतलब ये निकाले ना भाई, हमें ऐसा लगता था कि यार किसी का कुछ ना हो, तो बस हमने फिर इतने मतलब उसके कड़क नियम थे और इतने ज़्यादा उसके ये थे ना, मैं तो मतलब यही दुआ करती थी, यही प्रार्थना करती थी भगवान जी से कि ये मेरे फास्ट है ना अच्छे तरीके से निपट जाए, हो जाए। तो वो फास्ट मेरे अच्छे से हो गए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी का जो मतलब हमने पहला फास्ट करा ना, उसी दिन वो आदमी जो है ना वो घर पे आके हमें पैसे दे गया और बोलने लग गया सॉरी भैया मैं गुस्से में आपको कुछ ना कुछ बोल गया ऐसा वैसा। तो ऐसा था और वो जो अनुभव आया ना हमें प्रदोष व्रत करने का, उससे मेरे हस्बैंड जी इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए, वो बोलने लग गए कि नहीं शिव जी की हमारे पे कृपा है और मतलब एक ही उपवास करा फिर भी हमें जो है इसका फल मिल गया, तो हम इसका फास्ट जो है ना वो कायम स्वरूप ही करेंगे। तो ये अभी हम जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं ये मतलब संकल्प वाला नहीं है, संकल्प वाले जो उपवास थे हमारे 11 वो बड़े मतलब टफ थे, बड़ा ही उनका नियम था। उसमें ना नमक मिर्च वाला नहीं खाना था और 11 उपवास तक किसी के घर नहीं जाना था और पीरियड्स में भी ये फास्ट नहीं कर सकते थे। पीरियड्स अगर आए तो उस दिन हमें कुछ काम नहीं करना था, बस सोए रहना था। बहुत 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 सारा डिटेल में आपको मैं बताऊंगी, बहुत उसके नियम थे पर वो हमने अच्छे से कर लिए और उसका हमें अच्छा फल मिला, इस वजह से मैं प्रदोष व्रत भी करती हूँ। तो ये देखिए रैक हमारा अच्छे से चमकने लग गया है। तो बस आज को मैं आपके साथ बस मेरा एक अनुभव थोड़ा सा छोटा सा शेयर करा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।